ओम नमो नारायण। हूँ अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत थी तमारू स्वागत करूँ छूँ अरुज किचन में। आज आप बनावशू अड़दनू खाटू शाक। अड़दनू खाटू शाक बनावा माटे आपणे आ अड़द आपणे एक कप अड़द लीधेला, एने आपणे हांजे पलाळी दीधेला। आ रीतना एकदम सरस पलड़ी गया है। हांजे पलाळी दईने आपणे सवारे बनाववानुं। एम एकदम सरस पलड़ी गया है अड़द आपणे। आप एक कप पलाळेला आटला थी गया है। एक कप आपणे दही लीधुं छे खाटू। आपणे लीला धाणा लीधा छे थोड़ाक, अने बे मरचा आपणे लीला आ रीते सुधारी लीधा छे। थोड़ाक लीमड़ाना पान लीधा छे आपणे, अने आपणे आ लसण लीधुं छे। लसण आपणे थोड़ुंक वधारे आमां नाखशुं, एटले आपणे आ लगभग 20 થી 25 कड़ी लसण लीधी छे। 2 चमची आपणे काश्मीरी लाल मरचुं लीधुं छे। 2 चमची आपणे धाणा जीरुं लीधुं छे। 1/2 चमची आपणे आखू जीरुं लीधुं वघार माटे, अने 1/2 चमची राई लीधी छे वघार माटे। थोड़ीक आपणे हींग लीधी छे वघार माटे, ने मीठुं स्वाद प्रमाणे। 1/2 चमची आपणे हळદર लीधी छे, अने तेल जोईशे आपणे वघार माटे, अने पाणी। पहेला आपणे अड़दमांथी पाणी काढीने धोईने आपणे एने बाफवा मूकी देशुं। आ रीते आपणे पाणी काढी नाखशुं एनुं। बधुं पाणी आपणे आ रीते काढी नाखवानुं। पछी आने आपणे हारा पाणीए धोई लेवानुं छे। आपणे अड़दने पाणी बधुं काढीने एकदम सरस धोई नाख्या छे, एटले आनुं जे पाणी काळुं होय ए काळुं पाणी बधुं नीकળી जाय एम। एटले आपणे एकदम सरस धोई नाख्या छे। हवे आपणे आने कुकरमां बाफी लेशुं। आने कुकरमां नाखी देशुं। हवे आपणे आमां पाणी नाखशुं। आ रीते आपणे अड़दथी थोड़ुंक ऊपर रहीए एटलुं पाणी आपणे नाखवानुं छे। हवे आपणे आमां मीठुं नाखशुं। हवे आपणे आने बाफी लेशुं। आपणे पलाळेला छे एटले आटલું જ पाणी જોશે, કેમ કે ફૂલી ગયા છે ઓલરેડી। મગ હોય કે અડદ હોય કે કોઈ કઠોળ હોય આપણે પલાળેલું હોય તો એમાં આટલું જ પાણી નાખવાનું બાફવામાં। જો કોરા હોય તો વધારે નાખવું પડે, કેમ કે એ ફૂલે એટલે। લાને હવે આપણે 3 થી 4 વિસલ મારશું એટલે સરસ બફાઈ જશે આપણે। આને આપણે હવે બફાવા દેશું। આપણે અડદ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મરચું વાટી લેશું। लसण आपणे आमां नाखी ने थोड़ू लसण खांडी ने पछी आपणे मां आ रीते आमां मरचुं आपा नाखी देहुं। एम आपणे वाटी लेहुं। एकदम सरस झीणुं वाटी लेहुं आपणे। आ रीते आपणे एकदम सरस वाटी लीधुं छे लसणवाळुं मरचुं। हवे आपणे आने काढी लेशुं। आ वाटका में आपणे काढ़ी लेशुं। आपणे जेवुं तीखुं खाता होय ए प्रमाणे मरचुं नाखवानुं। आ काश्मीरी मरचुं छे एटले तीखुं ओछुं हशे, कलर सरस होय छे आमां। तो आपणुं मरचुं तैयार थई गयुं छे। आपणे आमां 3 विसल थई गई छे। हवे आपणे जोई लेहुं खोलीने। अड़द अपना बफाई गया है। हवे आपणे एने साइड में राखी लेहुं। अने आपणे आ जे मरचुं वाटेलुं एमां आपणे थोड़ुंक पाणी नाखीने ढीलुं करशुं के आपणे एनो वघार करशुं। आ रीते पाणी नाखीने आ रीते करी नाखवानुं। आ रीते एकदम सरस मिक्स कर लेवानुं पाणी नाखीने। आ रीतनुं हवे आपणे वघार करी लईशुं। आ आपणे कढ़ाई लीधी छे, गैस चालू करशुं। आपणे एमां आपणे तेल नाखीशुं। बे चमचा जेटलुं आपणे तेल नाख्युं छे ने तेलने आपणे गरम थवा देशुं। आ तेल आपणुं गरम थई गयुं छे। પહેલાં આપણે એમાં રાઈ નાખશું। રાઈ આપણે આ રીતે તતડી જાય એટલે આપણે એમાં જીરું નાખશું। જીરું સેજ લાલ થાય એટલે આપણે એમાં મરચાં નાખી દઈશું અને લીમડો નાખી દઈશું અને હિંગ। હવે આપણે જે લાલ મરચું આ તૈયાર કરેલું એ નાખી દેવું। ગેસ આપણે ધીમો કરી દીધો છે। બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઉં તેલમાં આ રીતે। ગેસ આપણે ધીમો જ રાખ્યો છે। આ રીતે બધું બરાબર તેલમાં મિક્સ કરી લેવાનું। હવે આપણે આમાં હળદર નાખી દઈશું અને ધાણા જીરું ને મીઠું આપણે થોડું નાખશું, કેમ કે આપણે બાફવામાં નાખેલું એટલે। वो बधु मिक्स कर ले आ रीते। हवे आपणे आमां अड़द नाखी दईशुं। आ रीते आपणे बधा हळद एमां नाखी दे। हवे मिक्स करी लेशुं मसालामां बराबर। हवे गैस वधारशुं आपणे। आ रीते बराबर मिक्स थी जाए हळद अपने मसाला में। हवे आपणे एमां दही नाखी दईशुं। हवे दही ने आपणे मिक्स कर लेशुं आमां। आ रीते हलावी लेवानुं। आपणामां जेवो रसो जोतो होय ए प्रमाणे नाखवानो। लगभग दही नाख्या पछी पाणी जरूर नहीं पड़ती, पण आपणे आमां थोड़ूक नाखशुं। आ जे आपणे मसालावाळुं छे एमां थोड़ुं पाणी नाखीने नाखशुं એટલે આપણે મસાલો આમાં છે એ બધો આવી જાય આ રીતે। થોડાક આપણે ધાણા નાખશું ને થોડાક ઉપરથી નાખશું પછી હવે આપણે આને ઉકળવા દેશું। આ શાક આપણું ઉકળી ગયું છે। આ રીતે બસ ઉકળી જાય એટલે આપણે એને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે કેમ કે અડદ તો આપણા બાફેલા જ છે અને મસાલા આપણે તેલમાં બધા સરસ થઈ ગયા છે એટલે આ રીતે દહીં નાખીને થોડી વાર ઉકળવા દેવાનું વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું એટલે દહીં પેલું ફાટે નહીં એમ આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવવાનું થોડું થોડું। હવે આપણે શાક તૈયાર થઈ ગયું છે ગેસ બંધ કરી દેવું નીચે ઉતારી લઉં। હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું। ऊपर से आपणे थोड़ाक धाणा नाखशुं तैयार छे आपणुं अड़दनुं खाटू शाक। जो तमने मारी आ रेसिपी पसंद आई होय तेने लाइक करजो शेर करजो अने मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो अने बेल आइकन दबाववानुं ना भूलता। कमेंट करीने कहेजो के तमने केवुं लाग्युं आ अड़दनुं खाटू शाक।